लो भी लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं ऐसा ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं भाई। आज है जुम्मा और मैं इस वक्त किचन में हूँ और ये मैंने हंडिया रखी हुई है, इसमें रखे हुए हैं अपने बकरे के पाए। आज ये बना रहा हूँ अपने लिए भी और मेरे जो स्पॉन्सर हैं, मेरे कफील हैं, उनके लिए भी, उनको भी खाने हैं। तो इंशाल्लाह पकाएंगे, बनाएंगे और लेके जाएंगे। और फिर ऐसा ऐसा ये सीन है कि भाई जो लोग गए थे ना पाकिस्तान छुट्टियां मनाने, वो आना शुरू हो गया ऐसा ऐसा। पहले फैसल भाई को छोड़ के आया था, फिर बिलाल को छोड़ के आया था, फिर अम्मी को छोड़ के आया हूँ। तो अभी फैसल भाई कल आ रहे हैं सुबह इंशाल्लाह, उनको लेने जाएंगे सुबह सुबह इंशाल्लाह मेरे दिन। फिर अम्मी आ जाएगी इंशाल्लाह और फिर बिलाल आ जाएगा। बस अब जो जा रहे थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं, उनको लेकर आएंगे। फिर इंशाल्लाह जब ये पाए तैयार हो जाएंगे, जो कि तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे इस हंडिया में, मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी बनाई हुई है, आप उन्हें देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। बड़े मजे के पाए बनते हैं इस तरीके से। पाया तैयार होने के बाद जाएंगे मेरे कफील के पास, उनको देकर आएंगे और कोशिश करेंगे अगर रस्ते में कुलचा मिल गया नान तो भी साथ देख रहेंगे, ताकि उनको एक पाकिस्तानी टेस्ट बेहतरीन किस्म का मिल जाए। तो खैर ये काम करते हैं और साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं। ले भाई, पिछले 3 घंटे से मैंने पाए रखे हुए हैं चूल्हे पे, चेक करें। ओके, अभी टाइम लगेगा, बोटी अभी हड्डी से अलग नहीं हुई है, ठीक हो गया, इसको अभी टाइम लगेगा, लेकिन खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है भाई। इसको अभी दोबारा कवर कर देते हैं। बहुत गर्मी है भाई, किचन में खड़े हो गए ना, हिम्मत है औरतों की भाई। मैंने तो एसी चलाया अभी और साथ साथ मैं बना रहा हूँ चाय, और इधर रखे हुए हैं पाए। आज आए हाय चाय पाए आए हाय। अच्छा भाई, हम लोग आए हैं अभी कुछ बर्तन वगैरह लेने थे घर के लिए, तो बर्तन लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा भाई, कुछ यहाँ से लेने हैं कवर वाले डोंगे, ये सही लग रहे हैं वैसे। ये ओवन में भी हो जाते हैं और है भी 11 रियाल का, यार ये ठीक लग रहे हैं ना। चलो भाई ये छोटे हैं, बड़े ले लेते हैं। बड़े में ये है लेकिन इसका वो नहीं, ढक्कन नहीं है, कवर नहीं है, इधर प्लास्टिक के लगे हुए हैं। कप लेने हैं, ये छोटे हैं चाय के लिए, वो दूसरे आगे देखें, ये कप हैं, कप ये ले ले। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें 2 हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भी ले लें, ये भी ले लें, दोनों ले लें, ये ले लेते हैं। इसमें जरा बच्चों के या कुछ किसी को देने दुलाने के काम आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीसेज हैं 5 हज़ार के। इधर लगे हुए हैं मिट्टी के, ये भी अच्छे लगेंगे, लेकिन इसके ऊपर ढक्कन नहीं है यार, ढक्कन वाले ये हैं छोटे हैं। ये देखें, ये कार्टून पैक करने के काम आती है, कुछ शीशे का सामान पैक करना उसके लिए। और ये है मैट्स होते हैं कैबिनेट्स के अंदर रखने के लिए, सारे इधर लगे हुए हैं। ये जार है भाई ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए, क्वालिटी इनकी अच्छी है, नॉट बैड यार, 5-5 हज़ार में अच्छी चीज़ें हैं। ये पूरा सैनिटरी का सामान पड़ा हुआ है, छुरियाँ, कांटे, चम्मच, ये भी बर्तन है, दोरी डंडा लकड़ी का। अच्छा भाई, इधर ये भी हैं पैकिंग के लिए, टेप वगैरह, ये सुपर ग्लू भी है, ये विंडो एसी का फ्रेम है, ये है फ्लोर मैट्स हैं, ये फ्लोर पे लगता है, लेकिन साइज बहुत थोड़ा है।
इस साइड पे सारे जो वॉशरूम की चीज़ें होती हैं मुस्लिम शॉप टाइप वो भी मिलेंगे। ये हमारा पाकिस्तानी शाबे बड़े बेहतरीन। ये देखें ये कोई धोने के लिए ना, ये इस तरह है अभी कोई धोने है। आप इसको इससे कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ भी धोनी है धो दो, उसको इसको पैक करके इस तरह रख लो, ये छोटा हो जाएगा, साइंस हो गई है। हाँ जी आपने ले ली, क्या लिया है? मैंने बड़ा वाला मार्कर लिया, मूसा निकाल। अच्छा मूसा के पास गाड़ी ट्रक के अलावा कोई काम ही नहीं है। और ये फ्रिज के लिए स्टोरेज बॉक्सेस हैं, फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, ये कुछ भी फ्रिज के लिए भी रखे जा सकते हैं, वैसे भी अच्छी चीज़ काफ़ी है। सही चाय वाले कप्स नहीं मिल रहे, बस ये छोटे साइज के। चले मिस्टर शॉपिंग करके कैसे जा रहा है? चलें। अच्छा आप लोगों ने पाकिस्तान में खाए होंगे पापड़, आपके गली मोहल्ले में आते होंगे वो बड़े बड़े पापड़ होते हैं, उसके ऊपर मसाला डाल के नमक डाल के खिलाते हैं ना, तो आज हम वही लेकर आए हैं लेकिन थोड़े छोटे साइज के हैं। ये देखें पाकिस्तान में मिलते हैं ज़रा बड़े साइज़ के, ये छोटे साइज़ के हैं। ट्राई करें कैसा लगा। एक और हम छोटे वर्क करते थे वो ये देखें मूसा ने पहने हुए, हम लोग भी छोटे होते ये वाले पापड़ उंगलियों में डाल के ना, तो ऐसे उंगली में डालते थे और फिर इस खाया तो बचपन बचपन था यार कमाल। ले भाई तकरीबन 6.5 से 7 घंटे हो गए हैं पाए रखे हुए और बड़े बेहतरीन गल गए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख रहे हैं हड्डी ने मांस को छोड़ दिया, बस अब इस थोड़ा सा इसका थोड़ा पानी ख़त्म करूँगा और उसके बाद इसको डोंगे में डाल के लेके जाते हैं कफील की तरफ। बड़े ही कोई मज़ेदार किस्म के पाए तैयार हैं, चलते हैं और देकर आते हैं। पिछले आधे पौने घंटे से हम लोग फ़ौर हो रहे हैं क्योंकि जो मेन रोड है ना तारिक मलिक वो की हुई है बंद, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो आया हुआ है कल से यहाँ पे, आज आया या नहीं कल आया, जो बाइडन मिस्टर जो बाइडन साहब आए हुए हैं उसकी वजह से ख्वारी हो रही है। अब पता नहीं हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं और हमने पाए भी पहुँचाने हैं हर हाल में। लो जी फाइनली 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 पहुँच गए हैं, तकरीबन 1 घंटा लगा पूरा, 8:15 घर से निकले थे और इस टाइम 9:15 हो रहे हैं। मिस्टर क्या बना रहे हैं? सलाहुद्दीन भाई ध्यान से ये इसको सीधा रखो, सीधा रखो, शोरबे बीच में सीधा रखो, सीधा रखो। कैसे कब के गए हैं शेख सब? नहीं कर अभी आ गए, चलो ठीक है उनको दे देना अंदर। ओके ले जी हमने लिए हैं गर्मा गर्म रोगनी नान और खाते हैं पाए के साथ। ये है हलीम, बच्चों के लिए गोला लेने के लिए, और गोला लेते हैं। और यहाँ पे आ गया है भाई फ्रेश कॉर्न भी मिल गए अभी। ये कितने का है भाई? 5 रुपये का, बेहतरीन। चलें ये नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ये देखो जी बड़ा मज़े का गोला तैयार होने लगा स्टिक वाला चीज। ये चीज इसके बाद ही चला गया इसमें, अब दूसरा तैयार होगा। यार आप आए यहाँ पे भाई को, भाई के पास हैं बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं, इनके पास फ्रेश जूस भी है, ये स्ट्रॉबेरी सीरप है इनके, सब ब्रांडेड हैं लोकल कुछ भी नहीं है।
ये जी दूसरा भी तैयार, ऊपर जलेगा रेनबो सिरप्स। माल हो गया ना अभी तक मिल्क, क्या बात है, क्या बात, मिल्क डाला, मिल्क मिल्क नहीं, छोड़ा ऐसे ठीक है, मिल्क भी डाल सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं डालेंगे। ये देखें कमाल हो गया, ये लखी इधर बेटा, चलो ये भाई मूसा का तैयार हो रहा। जी बेटा पॉपकॉर्न भी बन गया। जी पॉपकॉर्न भी है, हाँ पॉपकॉर्न भी है। अच्छा पॉपकॉर्न भी स्टार्ट कर दी है, पॉपकॉर्न भी और कॉर्न भी, सही सही सही, सही बेहतरीन हो गया। ये भाई किताब आई है गिफ्ट दादा बो और दादी माँ की तरफ से जो रियाज में होते हैं, गम ना करें ला तहजन, डॉक्टर आयज अल करनी है ऑथर इनके, कोई सऊदी हैं, उनका ट्रांसलेटेड वर्जन है ये किताब का, तो ये दादा वो दादी माँ ने भेजी है मुझे गिफ्ट, हदिया अली उस्मान के लिए दादा दादी की तरफ से, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छी लग रही है, इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं और कुरान के हवाले भी हैं, कुरान पाक की आयात। ले भाई फाइनली मेरे खाने की बारी आ गई, गर्मा गर्म नान है रोगनी और साथ में बेहतरीन किस्म के पाए, ओए 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 कमाल ना, ये खाते हैं इसमें पाए, कमाल हो गया। हेलो भाई, इस वक्त बज रहे हैं 5:15 और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट फैसल भाई को लेने के लिए, उनका प्लेन जो है जस्ट अभी लैंड किया, तो उनसे मेरी बात भी हो गई है, कह रहे हैं जी जहाज़ जो है अभी रनवे पे, तो जब तक हम पहुँचेंगे 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तब तक वो इंशाल्लाह बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह, चलते हैं फैस भाई को लेके आते हैं। सुबह सुबह क्या मज़े की ड्राइव है, रश ही नहीं है और इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, मेरे ख्याल में 10 मिनट भी नहीं लगे हैं, रश नहीं था, ट्रैफिक नहीं थी इस वजह से। लो जी वो वाली साइड काम नहीं कर रही है तो इधर लग जाते हैं आप, चलो जी। और जी इस टाइम भी कोई रश नहीं है, कोशिश करते हैं पार्किंग थोड़ी सी आगे मिल जाए। बहुत सख्त गर्मी है यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कभी देखा है आपने अलबेक में सुबह सुबह इतना रश? फैसल भाई को कॉल कर दिया, वो बस प्लेन से बाहर निकला है और कह रहे हैं चलते जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, बस कल तक यहाँ पे वेट कर लेते हैं उनका और आपको फिशेस दिखा लेते हैं यहाँ पे। हम देखें भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है जो किसी एयरपोर्ट बना हुआ है, शार्क भी है भाई इसमें, तो
अभी लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं ऐसा ऐसा, अभी आगे जाते हैं फैसल भाई को पकड़ते हैं। नहीं भाई, फैसल भाई को सामान मिल गया और आ रहे हैं बाहर। नहीं भाई, फैसल भाई तो आ गए हैं। ये आ गए भाई फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? क्या हुआ? नहीं भाई, फैसल भाई जितना सामान लेकर गए थे ना उतना ही लेके आए वापस, और भी आ रहा है। वैसे रख दिए कार्टून के ना, इसी भर के लेके आ रहे दोबारा। फिर जहमत ही की उठाने की आपने। मैं फैसल भाई कह रहा था ऑडियंस को, तो कभी आपने सुबह सुबह 5 बजे अलबेग पे इतना रश देखा? 5 बजे चेक करें, लाइन लगी हुई है। चले भाई, सामान रखें गाड़ी में। डिग्गी में आएगा कि नहीं आएगा? मेरे में पीछे सीट पे ही आएगा। मैंने वहां पर बहुत दफा ड्राइवर को खोल दिया। ड्राइविंग का होता है राइट और लेफ्ट का हौसला हो जाता है। सॉरी बोल सर। चलो जी चलो। ओ बंदे का हाल देखें, इतना गैप रख के ये 15-20 मिनट से पर्स ढूंढ रहा है कि मैंने पेमेंट कर दी है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उसको पता ही नहीं मेरे पैसे किधर है। पूरी ये भी चेक कर ली उसने। टाइम लग जाना है और वो प्लेन एक लैंड हो रहा था भाई, नजर नहीं आया यार। चले भाई पहले रखें, पहले ना रखें। अरे एक मिनट, मैं इसको आगे रखूं। लेकर आए इसको, वो ले आए पहले। पहले लेके जाओ फिर लेकर आओ। रखें ये पकड़ें, ये पकड़ लो। चलो ये पकड़ लो। चले भाई छोड़ दे, झटका स्टार्ट है। चलो जी, ये चीज। चले जी ओपन द डोर। फैसल भाई अपने आस्थाने में पहुंच गए हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह। चलो जी इसको मैं लेके आता हूँ घुमा घुमा के। चले भाई फैसल भाई तो आ गए और वो आराम करेंगे। और अभी उन्होंने बेचारे ने ऑफिस से आना है। छुट्टी छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई यहाँ पे। आज ड्यूटी है तो ड्यूटी पे जाना है। वीडियो भी ख़त्म करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं जी दोबारा नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस अगर देख रही हो तो सब्सक्राइब क्लिक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत हुकूमत अली उस्मान गनी।